खाता है ये गुटखा और यहाँ थूकता है कभी। बताओ चलिए ये बताओ मजा क्या आता खाने में? नुकसान ही है। नुकसान है ना, फिर क्यों खाते हो? पैसे भी खर्च होते हैं। मत खाना मेरे भाई, परिवार में बीवी बच्चे, बड़े भाई वो खाते, परिवार में बीवी बच्चे वेट करते हैं ना कि मेरा पति आएगा, मेरे पापा आएंगे, तो रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। वाह जी वाह, ओए होए, मजा आ गया जी, मजा जबरदस्त। बचा दिए तो हल्का, बता दो बता दो। और कैसे हो आप सब? सब बढ़िया। नमस्ते नमस्ते। ठीक हो अंकल जी, मजे आ रहे हैं? खाना खा रहे हो? क्या बात है। और ठीक हो भाई साहब? छोटी गुड़िया ठीक हो बेटा? ठीक है। क्या नाम है आपका? लो आपको आज पता है क्या बना है खाने के अंदर? बताओ क्या बना है, आपसे पूछता हूँ मैं, आप बताओ। कढ़ी चावल। कढ़ी चावल। कढ़ी चावल। आप बताओ। कढ़ी चावल। क्या बना होगा, राजमा चावल या कढ़ी चावल? कढ़ी चावल। क्या है जी? कढ़ी चावल। क्या बना बेटा? कढ़ी चावल। आज बने हैं बहुत जबरदस्त कढ़ी चावल। ओए होए क्या बात है, मजा आ गया, जबरदस्त। क्या बात है यार, जबरदस्त। तो आज सारे भाई खाएंगे पेट भर के कढ़ी चावल, जबरदस्त पकोड़े, प्याज चटनी, दिल खुश कर दिया भाजी यार, मजा आ गया। तहल का भाई की सेवा जारी है, रोजाना 100 लोगों का खाना जारी है, ये आंकड़ा 1000 तक जाएगा। आपका प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, वीडियो पे शेयर चाहिए, कमेंट चाहिए, लाइक चाहिए। आजा आजा बाबू, आजा जल्दी आजा। रोजाना 100 लोगों का खाना तहलका भाई की तरफ से, आपका अपना तहलका भाई, और ये आंकड़ा जाएगा 1000 तक। हेलो, बच्चों का प्यार, बड़ों का प्यार, सबसे प्यार मिल रहा है, बेशुमार मिल रहा है। तो दोस्तों आप देखो, आप इस तरीके से हम खाने को सर्व करते हैं, कैसे दिल से भाव से खाना खिलाते हैं। यहाँ पे आज राजमा चावल नहीं, यहाँ पे आज खिलाए जाएंगे कढ़ी चावल, दिल से भाव से। रोजाना 100 लोगों का खाना, मज़ा आता है, सुकून मिलता है, दिल को तसल्ली मिलती है, अच्छी नींद आती है। आप भी अपनी सैलरी का 10% 5% खर्च करके देखो, बहुत मज़ा आएगा, ज़िंदगी जीने में इतना मज़ा आएगा, बहुत दुआ मिलेगी आपको। ये देखो आप कितने सारे भाई, कितनी सारी बहनें, छोटे छोटे मासूम बच्चे आपके तहलका भाई के स्टॉल पे आते हैं। रोजाना 100 लोगों का खाना फ्री। तहलका भाई, तहलका भाई, टिक 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 टिक। ये सारे भाई सारी बहनें डेली आते हैं। और मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि एक बंदा एक ही बार खाना लेगा, 2 या 3 बार नहीं लेगा, क्योंकि बाकी लोग भी हैं, उनको खाना फिर बचता नहीं है। अभी 2 दिन पहले एक बंदा 3 बार खाना खा के गया है, ऐसे मत करना बस। बेटा क्या नाम है? क्या नाम है बेटा? बच्चों को पढ़ाई करा रहे हो? अभी नहीं पढ़ा रहा है, छोटे हैं, बड़े होते पढ़ाई करानी है। ठीक है, और ठीक हो भैया? क्या बात है, ठीक हो भाई साहब? ठीक हो, क्या बात है, सारे भाई ठीक है, जबरदस्त है हल्का। वाह जी वाह, ओए होए, मजा आ गया जी, मजा जबरदस्त। यही पकोड़े तो होते हैं पाजी, तो दिल खुश कर देते हैं। अच्छा, एक में 2 पकोड़े ना? एक एक, एक। अच्छा ठीक है, एक में 1 पकोड़ा, बड़े बड़े पकोड़े एक्स्ट्रा लाए, वो ऊपर भी पड़े, और फिर ठीक है, बढ़िया करा आपने काम। तो दोस्तों पहल का मचा देंगे, कढ़ी चावल खिला देंगे, जबरदस्त, एक नंबर बात। तो सभी को प्यार दूंगा, जिंदगी भर दूंगा, अपनी सैलरी का 35% 30% डोनेट करता हूं मैं, दिल से भाव के साथ, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। आपका तहलका भाई है जी, फ्री सेवा, फ्री सेवा है सर, फ्री सेवा है। आप कहां से? ऐसा में कभी लाइन लगती है? ये तहलका भाई की तरफ से फ्री सेवा है आप लोगों के लिए। तो जी गर्मा गर्म जबरदस्त कढ़ी चावल और 100 लोगों का खाना सिर्फ 1 घंटे में निपट जाएगा। 1 घंटे के अंदर सारे भाई प्यारा से दिल से खाना खा लेंगे, 1 घंटे के अंदर अंदर सब अपने घर चले जाएंगे, मेहनत करने निकल जाएंगे। ये वो भाई हैं जो दिन रात मेहनत करके 150-150 रुपये कमाते हैं,
इनके लिए हमेशा तहलका भाई है। रेडी पटरी वालों से सामान लिया करो, उनसे उनका घर चलता है। आप सामान नहीं लोगे तो बेचारे निराश हो जाएंगे, डाउन पड़ जाएंगे। और फिर जो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई वो बीमार पड़ गए हैं या फिर गलत काम चोरी चकारी कर रहे हैं, तो मजबूर मत करो, उनसे सामान लो, हाथ जोड़ के विनती है। क्योंकि घर नहीं चलेगा तो बेचारे क्या करेंगे, रेडी पटरी पे जो लोग बैठे हैं वो घर नहीं चलेगा तो क्या करेंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, वो बेचारे टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो उनसे सामान लिया करो। देखो सारे भाई आ गए, देखो उनको पता लग गया तहलका भैया आ गए, सारे भाई आ गए, देखो सारे के सारे भाई आ गए, सारे रिक्शे वाले भाई हैं। लाइन लगा लो, लाइन लगा लो। और ठीक हो? क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, ठीक हो? बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या कहना चाहोगे? क्या बात है, ये बहुत प्यारा भाई है, बहुत मेहनत करता है। क्या चला, रिक्शा चलाते हो ना? हाँ जी। कितने पैसे कमाते हो? 1000 रुपए कमाते हो? घर पे देते हो सारे पैसे? ये नशा वशा तो नहीं करते? कोई नशा, नशा मत करना, जिंदगी खराब हो जाएगी, ठीक है ना? मैं नशा करता हूँ। ये नहीं छोटे भाई, देखो नहीं भैया करता है, सुपारी खाता हूँ भैया। क्या मिलता है, सुकून मिलता है या अच्छा लगता है, स्वाद आता है, क्या आता है उसके अंदर? सुपारी खाते, टाइम पास होता है। छोटे भाई जूस पी ले यार, अच्छी चीज खा ले, फ्रूट खा ले, जूस ही पिलाऊंगा, जूस पिलाना भाई साहब। सुनो, इससे कैंसर हो जाएगा, सुपारी से नहीं है ना भी, बात मान मेरे भाई। ओके भैया, 10-15 लाख किस पे लग जाएंगे? हॉस्पिटल में लग जाएंगे। तेरे परिवार में कौन कौन है छोटे भाई? मेरे छोटा भाई है, पूरी फैमिली है। फिर सारे वेट करते हैं ना कि रेली रात को घर पे आएगा, तो कोई दिक्कत होगी तो मत कर यार, कोई स्वाद ही नहीं ना बाबू, कोई स्वाद हो तो मजा आए बस, ये तो यही तो है ना कि दांतों में बस खुजली होती है, उसके लिए नारियल ला कर देता हूं, नारियल पी ले, फ्रूट खा ले, वो होता है कच्चा वैसा नारियल काला वाला, बस कैंसर कैंसर वाली चीजें मत खा। बहुत लोगों को ना इस टाइम कैंसर हो चुका है, वो छोटा छोटा कैंसर ना इतना बढ़ जाता है, 15 लाख 20 लाख हॉस्पिटल में लग जाते हैं वैसे। ठीक है, चल आई लव यू, थैंक यू भैया, बहुत बढ़िया। और ठीक हो वैसे? बढ़िया सर, क्या बात है, धन्यवाद। ऑन टॉप, छोटे छोटे बच्चे, ओ आराम से बेटा, आराम से गिरेगा बच्चा, बच्चा गिरा देगा भैया, बच्चा गिरा देगा भैया, रख भैया, बच्चे की हेल्प करो, हेल्प करो, शुरू करिए तहलका भाई, चलो 1 2 3 स्टार्ट, बचा दिए तहलका, बता दो, बता दो, क्या बात है, प्याज भर के, ओए होए, जबरदस्त जबरदस्त, ले बेटा सामने आ जाओ, कढ़ी चावल फ्री सेवा, कढ़ी चावल की फ्री सेवा चल रही है, तहलका भाई की फ्री सेवा। आप में से गुटखा बीड़ी सिगरेट कौन पीता है, हाथ खड़ा करो। जो गुटखा बीड़ी दारू पिएगा उसको, पाजी जो गुटखा बीड़ी दारू पीता है उसके दांत चेक कर लो, उसको नहीं मिलेगा। अगर वो छोड़ते हैं आज के बाद, अपना जीवन अच्छा बनाना चाहते हैं कि कैंसर ना हो, बीमारियां पैदा ना हो, घर के अंदर इलाज के पैसे ना लगे 10 लाख 15 लाख, तो छोड़ दो आज के बाद, पक्का प्रॉमिस। गुटखा खा लेते, गुटखा नहीं खाएंगे आज, क्या मत खाना, हाथ जोड़ के विनती है, जिंदगी सवर जाएगी और कोई मजा नहीं है, कोई स्वाद नहीं है उसके अंदर। अच्छा तो बाप मातारी भी नहीं देता, मानते भैया। ठीक है, आई लव यू सो मच। नशा तो भैया कोई भी अच्छा नहीं है। क्या बात है, कुछ कहना चाहोगे नशे पे? बेकार है सब, नशा करो तो लाइफ का करो, आगे बढ़ने का। क्या बात है, जिंदगी जीने का नशा करो, मौज काटने का, पैसे कमाने का, क्या बात है। मैं डेली आके चेक करूंगा, जो भाई जिसके दांत में लग गया, भाई जिसके दांत लाल हैं, दबा के गुटखा खाता उसको खाना नहीं मिलेगा। और जो वादा करेगा छोड़ रहा हूं मैं, जेब चेक करूंगा तो उसके लिए खाना फ्री है। भाजी जो नशा करता होगा यहाँ के लोग बता देंगे कौन नशा करता है, हैं? ठीक है ना, तो ठीक है दोस्तों, प्यार बनाए रखो, ये सेवा 100 लोगों की फ्री सेवा है, आने वाले समय में 1000 लोगों की हो जाएगी, 10,000 लोगों की भी हो जाएगी,
प्यार में कमी नहीं रहेगी आपके तहलका भाई का, आपसे वादा है, हैं? क्या है? दिन रात खाता है ये गुटखा और यहाँ थूकता है, गलती करता है। अगर आप चाहते हो जिंदगी बनाना, ये नहीं कि खाने के चक्कर में मैं आपको बोल रहा हूँ कि खाना नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बताओ, चलिए ये बताओ, मजा क्या आता खाने में? नुकसान है ना, फिर क्यों खाते हो? मत खाना मेरे भाई, परिवार में बीवी बच्चे, परिवार में बीवी बच्चे वेट करते हैं ना कि मेरा पति आएगा, मेरे पापा आएंगे, तो रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, मत खाना भाई साहब। मैं सवाल पूछता हूँ, क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, आनंद आता है, मौज कटती है, या पैसे, जो गुटखा खा रहे हो पैसे बना के देता है मुंह के अंदर? कुछ नहीं खाता, कोई चीज नहीं खाता, तंबाकू खा लेता। मत खाओ भाई साहब, क्या मिलेगा क्या ये बताओ? कुछ नहीं मिलेगा, फिर बात ही खत्म हो गई यार। नहीं खाऊंगा। परिवार में कौन कौन है? सर दो लड़के हैं, एक लड़की है। बेटी कितना प्यार करती है आपसे? बहुत करती है। करती है ना, मत करो ये सब, उसको आपसे प्यार है ना कि मेरे पापा आएंगे, मेरे से बातें करेंगे, और आपको कुछ हो जाए चक्कर खा लगेंगे, हॉस्पिटल में लगेंगे, क्या फायदा? नहीं खाएंगे। चलो, I love you. आज मेरे कहने पे तीन लोगों ने बोला है कि मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, तंबाकू नहीं खाऊंगा, क्या बात है, अगर ऐसे सारे लोग सुधर जाएं तो मजा आ जाएगा। पहल का भाई से प्यार करने वाले गुटखा दारू बीड़ी छोड़ दें। कोरोना भागता दारू पीने से? बहुत ज्यादा दारू पीता सर। अगर आज के बाद आपने ऐसा किया तो मेरे से बात मत करना आप। नहीं, पक्का ना? वेरी गुड।